मऊ जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार को शासन के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया है। बीएसए पर आरोप है कि विद्यालयों में नियुक्ति और प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती को लेकर काफी अनियमितता किया गया था। बीएसए को सस्पेंड होने की खबर मिलते ही पूरे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में सन्नाटे का माहौल छा गया था। कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारी अपने अपने कुर्सियों को छोड़कर इसकी तस्दीक करने में लगे हुए थे। हालांकि बेसिक कार्यालय में तैनात कोई भी कर्मचारी कुछ भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कार्यालय में तैनात कर्मचारी और शिक्षक ने ऑफ द रिकॉर्ड में बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा वित्तविहीन स्कूलों में नियुक्ति लेकर बीएसए के द्वारा गोलमाल किया गया था। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को भी लेकर भारी अनियमितता किया गया था, जिसकी शिकायत शासन स्तर तक किया गया था, जिसको देखते हुए संभवतः बीएसए को सस्पेंड किया है। हालांकि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने कहा कि शासन से मुझे इस मामले में पत्र प्राप्त हुआ है। इस मामले में जो भी निर्णय है वह शासन स्तर पर ही लिए जाने हैं। वैसे इस समय वर्तमान वह अपना पद भी छोड़ चुके हैं। फिलहाल इस मामले में जांच के बाद ही कोई कार्यवाही होगा। इस मामले में शासन स्तर पर जांच चल रहा है। सर, बीएसए साहब को सस्पेंड कर दिया गया, क्या है प्लान? इस संबंध में हमें शासन से पत्र प्राप्त हुआ है, तो इसके क्रम में उन्होंने अपना पदभार छोड़ भी दिया है और इसके बाद उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई की जाएगी। जो भी निर्णय होगा शासन स्तर का उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। सर, किस तरह से कुछ किया? ठीक है, उसके बारे में वो शासन से जाँच चल रही है।